हाँ जी दोस्तों, सलाम वालेकुम। सभी भाई मेरे कैसे हैं? सब ठीक है, बढ़िया। तो दोस्तों, काफ़ी भाइयों की कमेंट थी कि कबूतर की नस्लों के बारे में बताएं, और नस्ल के साथ साथ कबूतर के अंदर खूबी क्या होती है वो बताएं। देखो दोस्तों, मैं कबूतर दिखाता हूँ आज आपको। बच्चा जो निकला हुआ है मेरे यहाँ पे, क्रॉस बच्चा है, और बच्चे का शौक करना कैसा बच्चा है। कच्ची पीली आईज में बच्चा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। काले कुंदे, ये टेल है दोस्तों उसकी, ये इसके पर है, ठीक है दोस्तों। और ये इसकी उंगली है दोस्तों, उंगली देख लो इसकी, बारीक उंगली है, बिल्कुल बारीक पतली। शेड्यूल पतली, बेहतरीन उंगली है, और नाखून जबरदस्त, काली पलकें, काली नोक, और क्रॉस में बच्चा है दोस्तों ये। और किस में क्रॉस है ये बताएंगे आपको। बाकी उंगलियों के बारे में कमेंट थी कि पतली उंगली है कि कबूतर पसंद क्यों करते हैं लोग। दोस्तों पसंद नापसंद की बात तो ये है, देखो ये जो है ब्लड लाइन होती है, बहुत सी ब्लड लाइन ऐसी होती है जो पतली उंगलियों के बच्चे निकालते हैं, क्योंकि वो एक ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन के हिसाब से ही कबूतर की जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्लड लाइन के हिसाब से निकलता है। तो ये जो पतली उंगली हो गए, अच्छे कुंदे हो गए, और पतले पैर हो गए, पतली इसके ये जो हिस्सा होता है ये भी बारीक होता है इनका, तो ये ब्लड लाइन के हिसाब से होता है दोस्तों। और क्रॉस में बच्चा है दोस्तों, ये प्योरिटी में नहीं है, अभी आपको मैं प्योरिटी में दिखाऊंगा। उसके जो नाखून, पाँव और उंगली हैं वो हैवी हैं, मोटी हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये ज़्यादा उड़ेगा और वो कम उड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्लड लाइन का हिसाब है दोस्तों। जो रोल इसका है ब्लड लाइन के हिसाब से, वही रोल उस बच्चे का है जिसके उंगलियां बारीक मोटी हैं, और कद भी उसका हैवी है, वजन में ज़्यादा है, ये वजन में कम है, और उसका वजन हैवी है, तो ये ब्लड लाइन का हिसाब होता है दोस्तों। इसी ब्लड लाइन में वाइट आइज में बच्चे निकलते हैं, इसकी थोड़ी उड़ान कम है, और उस वाइट आइज का जो बच्चा निकलता है उसमें उड़ान ज़्यादा आती है, लेकिन ये नहीं है कि ये बारीक उंगलियों का है तो ये बहुत ज़्यादा उड़ेगा और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ ब्लड लाइन का हिसाब है कि इसमें पतली उंगलियां हैं, और इसका बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर जो है बेहतरीन है। अब मैं ये बच्चा किसी को दिखाऊंगा, इसका जो खड़ानपन है वो बेहतरीन है, ज़बरदस्त, तो इसे लोग जो है ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये ऐसे खड़ा छाती को तान के, और इसकी हड्डी जोड़ बेहतरीन है, परों का स्ट्रक्चर बेहतरीन है, और ये देखने में खूबसूरत है बहुत, तो देखने वाला इसे बोल लेगा भाई ये बच्चा मुझे उससे बेहतरीन लग रहा। तो बच्चे का आपको शौक कराता हूँ दूसरे बच्चे का। तो दोस्तों दूसरा बच्चा जो है ये है, दिखाता हूँ आपको, ये बॉडी स्ट्रक्चर में हैवी है, उंगलियाँ इसकी मोटी मोटी है, पाँव इसके मोटे हैं, ठीक है दोस्तों, और बॉडी स्ट्रक्चर में इससे ज़्यादा हैवी है ये, लेकिन ये नहीं है कि ये ज़्यादा उड़ेगा ये कम उड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, और ये बच्चा प्योरिटी में है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा रिजल्ट इस बच्चे का है जिसके पाँव मोटे हैं,
बॉडी स्ट्रक्चर हैवी है और वाइट आइज में है दोस्तों ये। तो अब इस बच्चे का शौक आपको है ना कराता हूँ। ये बारीक इसकी उंगलियाँ हैं और ये हैवी है बच्चा, इसके पाँव पंजे सब कुछ मोटे हैं। तो ये है बच्चा दोस्तों, देखो जो मेरी नज़र में प्योरिटी में है, जो प्योरिटी का है ये मेरी नज़र में A1 है, एक नंबर है, बेहतरीन है। वाइट आइज में बच्चा है दोस्तों, ये इसके पर हैं दोस्तों, बेहतरीन जबरदस्त और देखने में खूबसूरत वो है, ये इतना खूबसूरत नहीं है लेकिन ये प्योरिटी में है। इसकी मेन जो बात है वो है प्योरिटी। ये इसके पंजे हैं दोस्तों, देखो इसकी उंगलियां, देखो कितनी मोटी उंगलियां हैं, जैसे लट होते हैं ना लट, ऐसी इसकी उंगली हैं, ऐसे इसके पैर हैं, ऐसी इसकी टांगे हैं देखो, और वजूद में भी हैवी है बहुत। लेकिन ये एक नंबर बच्चा है दोस्तों, एक नंबर जिसे बोलते हैं, इसे 101 बोल लो, 110 बोल लो, 100 से ऊपर कितने भी नंबर दे दो उसे, इसके लिए कम है। तो ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पतली उंगलियों के कबूतर ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। ये मैं अपने घर का रिजल्ट बता रहा हूँ, ना कि किसी और के यहाँ का, ये मैं अपने घर का ही नंबर आपको बता रहा हूँ। प्योरिटी का जो मसला होता है वो ये होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पतले पैर हों या मोटे पैर हों या वो हड्डी जोड़ का बहुत ही बेहतरीन हो। मैन जो मकसद है वो है नस्ल का, कि आपके घर में नस्ल किस हिसाब से तैयार हो रही है, ये है। ठीक है दोस्तों, इस कलर में आपको कबूतर बहुत मिल जाएंगे, बच्चे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो नस्ल बेहतरीन हो। अगर बेहतरीन होगी तो उस मालिक को मालूम होगा कि ये नस्ल बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, इस हड्डी जोड़ में, इस कुंदों में हर नस्ल मिल जाएगी और हर कबूतर मिल जाएगा। जाहिर सी बात नहीं है कि 24 करेट जो सोना होता है उसकी पहचान सुनार को होती है, ना कि एक आम आदमी को। ठीक है दोस्तों, अब आपको प्योरिटी में एक कबूतर और दिखाता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये भी प्योरिटी में है बच्चा, अभी बहुत छोटा बच्चा है, दाना खाना ही शुरू किया है इसने अभी, ये भी प्योरिटी में है। और ये नस्ल के हिसाब से बहुत छोटे वजूद का और पतली उंगलियों का, पतली हड्डी का, बहुत छोटी हड्डी, ये देख लो हड्डी भी दिख रही होगी आपको इसकी, ये हड्डी है इसकी, और बंद जोड़ बेहतरीन जबरदस्त चीज़ है इसकी। तो ये दोस्तों ये है, बस थोड़ा फर्क होता है कि अपने घर की नस्ल की पहचान किस हिसाब से बनाए, कैसे बनाए, तो ये दिमाग खुद लगाना पड़ता है, ना कि आपको कोई और इस बारे में बताएगा। ये है दोस्तों, ये नस्ल के हिसाब से पतले पैर और बारीक वजूद। ठीक है दोस्तों, अच्छे पर और आँख की जो क्वालिटी है, परों की जो क्वालिटी है, जोड़ की जो क्वालिटी है, वो नस्ल के हिसाब से आती है। आप जिस हिसाब से नस्ल को बनाओगे उस हिसाब से उसका वजूद, हड्डी, पाँव, उंगलिये, नाखून और आँख आएगी नस्ल के हिसाब से, ना कि क्या बड़ा वजूद की नस्ल को मिलाओगे कि वो पतले पैरों के बच्चे है ना निकाल लेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। वो नस्ल के हिसाब से, किस नस्ल से कौन सी जोड़ लगी है, वो किस हिसाब के बच्चे निकाल लेगा, वो अहम है। तो वो बात हमने पकड़नी है, और किस हिसाब की नस्ल के बच्चे हमने बनाने हैं, किस उड़ान के बनाने हैं, और क्या उनकी उड़ान रहेगी, किस हिसाब से उनकी चाल है, क्या है, वो सब आप अपने घर से बता सकते हो, ना कि आप दूसरे के कबूतरों को देख के बैठ के। ये कबूतर बैठा है, आप इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते,
कि इसकी उड़ान कितनी रहेगी और इसका रिजल्ट क्या रहेगा और ये किस नस्ल से बिलोंग करता है और ये आगे बच्चे किस हिसाब से बनाएगा, किस हिसाब से उसके बच्चे उड़ेंगे, क्या आपने रिजल्ट देना है, वो सिर्फ मालिक कर सकता है जिसको मालूम होगा, ना कि कोई और। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा कहना था, आप अच्छे कबूतरबाजों से मिले, छोटे छोटे बच्चों के पास बैठना बंद करें, अच्छे कबूतरों कबूतरबाज के पास में बैठे जिनका कोई रिकॉर्ड है, क्योंकि आप अगर बच्चों के पास में बैठोगे तो आपको जो है कच्ची नॉलेज मिलेगी, पक्की नॉलेज कभी नहीं मिल सकती, नॉलेज वहीं मिलेगी जहां आप अच्छे कबूतरबाज के पास बैठोगे। और खिलाड़ी के मैन है खिलाड़ी आदमी। तो ठीक है दोस्तों, मेरा कहना यही था, और कबूतरबाजी का मसला बड़ा पेचीदा है और आसान नहीं है। अगर आप सोचते हो कि बहुत आसान है, आसान नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, मेहनत करते रहो और अच्छे कबूतरबाज के पास बैठो, जो खिलाड़ी है बढ़िया, जो बढ़िया कबूतर उड़ाता हो, जिसके पास अच्छी नस्ल हो, जिसका कोई रिकॉर्ड हो, उन भाइयों के पास बैठे और अच्छी बात सीखे, और कबूतरबाजी की बात सीखे, ना कि इधर की इधर, इधर की उधर, ये बातें बहुत होती हैं, इन पे ध्यान ना दे के कबूतरबाजी पे ध्यान दे। कबूतरबाजी पे ध्यान दोगे तो इंशाल्लाह कबूतरबाजी ही सीखोगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।